Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. सब तो घर में एंजॉय करते हैं, छोड़ो लंच वंच किसी और दिन। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पतंग उड़ाऊंगी। पेचा मेरे साथ ही लगाओगी फिर? पेचा तो आपसे लड़ गए, अब किसी और की गुंजाइश कहाँ? गिरफ्तार करो उसको, फायरिंग करने वाले को। अरे मेरे बच्चों को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अच्छा इतने बड़े बड़े ऊंट के जितने ये बच्चे हैं? पापा आपको कह रहे हैं। अभी तो बीजान सबकी क्लास लेंगे, फिर कचहरी सजेगी, फिर बयानात होंगे, इल्जामात लगेंगे, बहस मोबाइल से, इस सब में कौन नोटिस करेगा कि आप और नहीं कहाँ गए? ठीक है फिर जल्दी से बिल पे करते हैं ना, चलते हैं घर, देर हो रही है। वेटर, वॉलेट नहीं मिल रहा जी, आप खाले में भूल गया हूँ। क्या पैसे हैं तेरे पास? ले वो कम कर और सिर्फ आए ना। वेरी गुड, एक काम कर, लोकेशन भेजिए तेरे व्हाट्सएप पे, मिसाइल की तरह पहुंच ये पैसे लेकर इधर। बेबी कहंदी है कराची में सब गलत रास्ता बताते हैं, किसी से नहीं पूछना। तो ये तेरी बेबे क्या करने आई है कराची? ताडा वलीमा अटेंड करन। मिठू मैं तेरे 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट में अगर तू रेस्टोरेंट आना पहुंचा तो देखिए ये शगुफा किसी और दिन छोड़ दी, समझ आई है तुझे? बैटरी मुक गई। अरे दो दो मिनट बस दे दे। अरे चल बे मिठू, यूएसबी को मोटरसाइकिल की बैटरी से कनेक्ट कर, फोन चार्ज कर, आफ्टर ऑल तूने कोर्स किया है। जो तमाशा किया है ना तुमने और पिनो ने आज, बीजान माफ नहीं करेंगी। तो ना करे बीजान माफ, ऐसे करे मुझे भाई लगा दे और मेरी लाश को नागिन चुरंगी में जाके लटका दे, तब तो सुकून आ जाएगा ना आपके टब्बर को। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो ना करे ना मेरे से बात जमशेद साहब, मैं कौन सा खसूसी दावतनामा लेके आई थी आपके पास कि आए मेरे पहलू में बैठ के मेरे से गुफ्तगू करें? देखो देखो शाना, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हम भाई मेरे हदों पे से नजर हटाएं और नजरें डाले बीजान के तानों पे जो लोगों को मारती है, ऐसे ऐसे पुआ पुआ के ना बाउंसर मारे हैं बेचारी पिनो को, उसका दिल सड़ के सुहा हो गया। तो बेचारे जलाल भाई बीच में पड़ गए, माफी तलाफी कला के रोका है पिनो को, वरना वो तो जा रही थी। क्यों, जलाल फूफी का बेटा है उसकी? एक नमूना बराबर तुम्हारे खानदान में। मैं कमन, मैं छनो तेरे नाल एक गल करनी। ए जरा जाके बेबे जी नु ता समझाओ, ए रिश्ता तोड़ो नाली जिन्नी भी थ्रेटा ने ना, ए किसी होर नु जाकर देन। तो बुला क्यों नहीं लेते बेबे को? साल है जो जी मैं बात करती हूँ आपके सामने ना जमशेद साहब, ये मैं ना कॉल लगाने लगी हूँ चाची नगीना को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो जमशेद पाए ना, ऐनी बेतबारी चंगी नहीं होंदी। हमने आपको जबान दी है, हम जबान से मुकरने वालों में से नहीं है। चाची नगीना ये आप बस पे बैठ के आ रहे हो या किसी खच्चर पे बैठ के आ रहे हो? भाई इतनी देर में तो बंदा कनेडा से पाकिस्तान आ जाता है, आप कराची नहीं पहुंची? चाची नगीना ये बस का इंजन जो खराब हो गया ना, ये पुरानी हो चुकी कहानी, जल्दी पहुंचे यहाँ पे रिश्ता हाथ से निकलने लगा है। ये कह रहे सी बेबे जी? जो जी वही कहानी पुरानी, बस का इंजन खराब हो गया है। ले इधर सारे अंदर दिमाग खराब हो गया है, उन्होंने थक्कड़ बस ही मिली सी, बंदा जाके कोई एरोप्लेन का टिकट ही ला लेंदा है। जो जी लंबरदार मुझे जरा ये तो दस, वहां पे कौन सा तेरा मामा लगा हुआ जिसने चीचा वतनी से एयरपोर्ट सर्विस शुरू की है? हैं चमला ना मारा कर। छोड़ो अब सारी बातें, को अरसल को भेजो, जरूरी बात करनी है। भाई लाड़ा और लाड़ी पता नहीं सुबह से किस खुड में जाके छुप गए, मैंने तो पता ही नहीं किया। मैं पता करती हूँ, चल अगे लाग, चल। हाँ, जमशेद पा है ना, बेतबारी चंगी नहीं होंगी, याद रखना। सारी बातें मेरे साथ ही करते हैं, मुझे ही बसा देते आखिर। शहजादा चल पड़ा,
बेबे सही कहंदी है, मेरा इंजीनियर पुत्र। ओ तेरी सल्लू भाई। हेलो। हाँ किधर है? ओहो सल्लू भाई मैं बताता हूँ, मैंने ना अभी अभी मोटरसाइकिल की बैटरी से ना यूएसबी कनेक्ट करके चार्जर बनाया, ते मैं ना गोली की स्पीड पे आपके पास आ गया। ठीक हो गया? ओके डन करें। चार्जर बना रहा था। किंजा तुम्हें आगा जी का फैसला कैसा लगा? कौन सा? एंगेजमेंट से पहले निकाह वाला। या, क्या जरूरत थी? वैसे भी थोड़ी दिनों में हमारी शादी है। हाँ लेकिन पेपर्स भी तो भिजवाने हैं तुम्हारे, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स भिजवाएंगे तभी तो प्रोसेस शुरू होगा। ओके चल लगो लग बुखा मैनू। ओ मिठू, ओ मिठू पागला किथे रह गया है? ओ मां दा हुक्का तेरे प्यो ने गर्म करना है कब्रों चो निकल के। क्या हुआ परी आंटी? वो पुत्र लगता है मेरी एंट्री ना थोड़ी लेट हो गई है, वरना ये जो जलाल दी कुड़ी है ना मेरे पुत्र नाल कितनी सोहनी लगती। लगता है आप मिठू को ढूंढ रही है। हाँ पुत्र। मैं मिठू को छत पर देख करूं? हाँ ना पुत्र वेखिया, उसने ना किसी कुंड नाल जुड़कर प्लास दे नाल किसी चीज का पोस्टमार्टम कर रहा होना है। वैसे सुना अच्छा खासा काम कर लेता है वो इलेक्ट्रिशियन का। है? ओ खबरदार, इंजीनियर पुत्र है मेरा, इलेक्ट्रिशियन नहीं। और डीजे पुत्र मां सोच के मावारी जाना उते जाके वेख, पता है ना मिठू ना दो मिनट के लिए भी आसे पासे होंदा है ना तो मेरा दिल घटना शुरू हो जाता है। किंजा मेरे वास्ते कोई नींबू पानी बना ले। कितनी चंगी गड़ी। परी आंटी आप टेंशन ना लें, वो इधर ही कहीं होगा, आ जाएगा। हाँ पुत्र तू भी वेख ना, लब ले उनू। मैं भी आता हूँ। मिठू बस बहुत हो गया, अरसल अगर अगले 15 मिनट में मिठू यहाँ नहीं आया तो मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। शौक से जाओ, टैक्सी के पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं घर जाकर दे दूंगी। जब मुझे अकेला छोड़ के जाओगी, शर्म आती है तुम्हें? नहीं मुझे नहीं आती अरसल, क्योंकि पिछले 3 घंटे से मैं यहाँ बैठ बैठ कर मिठू का इंतजार कर रही हूँ और इस 3 घंटे में मुझे इतनी शर्म आ गई है कि अगले 2-3 दिन तक नहीं आएगी मुझे शर्म। क्या बकवास है, वॉलेट भूल गया है यार। सर भैया मिठू का पता करें किसी ने परवर तो नहीं काट दिए। यार तुम तो अपनी ये थर्ड क्लास जुकते अपने पास रखो भाई, आगे इतनी परेशानी है हमें। यार मिठू कितनी देर से तू, मैंने ऐसा तजुर्बा किया क्या बताऊं आपको, जल्दी आप भी सुनो। मैंने ना मोटरसाइकिल की बैटरी से चार्जर बनाया। यार बाढ़ में क्या तेरा चार्जर यार? ले बेबे को बताता इतना खुश होती वो। बड़ा टेक्निकल मिठू है, अल्लाह नजरे बस से बचाए जी। मैं बताता हूँ आप। मिठू पैसे निकालो। साथ है ना वह पेट्रोल पाना है वापसी आस्ते, ऐ फड़ो 300। 4,000 रुपये का खाना खाया है इन्होंने और आप 300 रुपये दे रहे हैं? इतना महंगा खाना ये क्या है? ऐसे तो जय जी सल्लू भाई आपस की बात है, इतने तो सिर्फ बेबे के पास ही होते हैं। तो सर ठीक है फिर आप बेबे को ही बुलवा लें। कहा था मुझे यासर को कॉल करने दो। तुम उस यासर के बच्चे का पीछा छोड़ोगे तो मैं घर जाकर बताऊंगी जो तुमने यासर यासर राज यासर राज यासर राज। मिठू को बुलाने का इंतजार देख लिया तुमने? 300 रुपये ले आया वो। शेरी की कॉल। शेरी किधर है यार तू, किधर है प्लीज बता दे। उसे बताओ कि हमें 4,000 चाहिए, वो भी खाली हाथ ना आ जाए। मैंने लोकेशन भेजी है, 4-5 हज़ार रुपये लेके इधर आ जा प्लीज यार, हम बहुत मुश्किल में एक्चुअली हैं। पक्का आ रहे हैं पैसे? ओके आ रहे हैं। अब उसके लिए एक और घंटा इंतजार करो।
क्योंकि 3 घंटे इस मिट्टू ने जाया कर दिए। आप जाएं, हम आपको अभी बस बुला रहे हैं, हम नहीं जा रहे। ओके मैम, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे एक खाने ने जलील करा दिया है और तुम प्रजाई। चुप, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी पर जाएगी, वो तो सब ठीक है, पर मैं बेबे के सामने झूठ नहीं बोल सकता। यार किधर से आया ये सैंपल अरसल? मिठू तेरी बेबे तुझे माफ कर देगी, हमने सारी जिंदगी नहीं करना अगर तूने मुंह खोला तो। मैं तेरे शैंटो शैंटी कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, चल अंदर। चलो ना, देख के रहो उसको। क्या किथे रह गया मेरा मिठू? मेरी जाति जवानी का आखिरी सहारा, मेरी उम्मीदा का मरकस, मेरी अखा का चैन। मैं कलम कली ते जिंदड़ी इन्नी लंबी। आए हाय, ओए ओए ओए, बड़ी जी ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, हमारा दिल पड़ जाएगा। मेरा जो दिल डूबिया जा रहा है। जा मेरा बेटा, दोबारा जा और अच्छी तरह से देख के आ। ये बच्चा है, कोई कीड़ा मकोड़ा तो है नहीं कि किसी नाली में घुस जाएगा। मैंने ना वैसे पूरे घर में देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं है। वैसे मैं कहती हूँ कि कहाँ चला गया होगा। तुसी मनो ना मनो, कोई अगवा कर गया मेरे बच्चे को। अरे कोई वो बिल गेट का रिश्तेदार है जो कोई अगवा करेगा उसे। इंजीनियर पुत्र है मेरा, 6 माह का डिप्लोमा किया है मुरीद के से। दीजिए मेरा बेटा, जा जा देख क्या असल का बुला खिला। वो जी आप ही और सल्लू भैया भी घर में नहीं है। हाय शाबाश, लाड़ा और लाड़ी भी दाव लगा के निकल गए हैं कहीं पे। हाँ तो वो भी उन्हीं के साथ गया होगा ना। तुम फोन करो अरसल को। अच्छी थी कर। हाय आ गए, आ गए। हाय मेरा मिठू पुत्र, ओ पुत्र तू किथे रह गया सी? मेरा राज दुलारा, मेरा गोटा किनारा, पुत्र किथे चला गया था तू? देख तेरी आवाज़ ने ना रो रो के अखा सजा लिए ने। है तू दस, मुझे कुछ हो जाता तो तुझे चूरी बना के कौन खिलाता? किधर गया था तू? खैर से ये लाड़ा और लाड़ी कहाँ पे थे? बस यही वॉक कर रहे थे बाहर। मिठू सच सच बता, किधर था तू? देख झूठ बोलने वाले ना अल्लाह मियां ने जहन्नम में भेज देता है। तत्ती हवा चल दिया उठे। सल्लू पाइन को लो बेबे, आप ही पूछ लो। होटल बुलाया था इन्होंने मुझे। होटल टल शाबाश, और दो चिट्टे कुकड़ तू भी इनके साथ गया हुआ था? जी जी फुप्पू। जबरदस्त हो गया है तो तुम दोनों जो ना अपनी तशरीफ आवरी का टोकरा लेकर आओ जरा मेरे कमरे में। है नहीं अम्मा, मेरा मतलब क्यों अम्मा? इसलिए अरसल पुत्र के वो जो मॉर्निंग वॉक है ना जो तुम लोग नाइट में कर रहे थे उस पे मैंने वड्डा मजमून लिखवाना है। क्यों का मामा है? तू चल, तू व्याह कराने के बाद ना बहुत ज्यादा जो है वो शोखा हो गया। मैं तुझे ना कमरे में ले जाके सेट करती हूँ। आ जा मेरी बच्ची, आ जा आ जा, चला अकेला। ना मुझे ये बता सलू, तू है कौन सी आग लगी हुई थी बाहर जाके रोटी खाने की? हम तंग आ गए थे घर बैठ बैठ के। सलू मैं ना जुत्ती लेनी है, पाल लम्मा लेना तेनू। है मना नहीं किया था कि वलीमे से पहले घर से बाहर कदम नहीं रखना? अम्मा बस कर दिया कर, व्याह हो गया मेरा, तू कहीं भी शुरू हो जाती, जिया के सामने भी तू। क्यों जिया मिनिस्टर लगी हुई तेरे ऊपर? और मुझे ये बताओ कि वो मिठू को वहां बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ताई जी ऐसा लगता वॉलेट फोन कर थे। अली माँ सदके जाए हैं नई नवेली वोटी को घुमाने के चा जो चढ़े हुए थे। दिमाग पोला हो गया था, घर चीजें भूल भूल के जा रहा था। मम्मा बस कर दे आगे, उस मिठू ने दिमाग खराब कर दिया, इतनी बिस्ती हुई सबके सामने। बेटा घर के बुजुर्गों की बात नहीं मानोगे ना तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा जलील होगे, देख लेना तुम लोग। ये तुम खड़े होके इनके सुनो भाषण, मैं जा रहा हूँ आगे, बड़ा तंग आया हूँ मैं। और तू जो मीस नहीं बन के खड़ी है ना जिया, मुझे पता है सारी चाबियां सलू को तूने भरी है। अच्छा चल
वैसे मुंह ना बना, मुझे ना प्यार आने लग जाता है तेरे ऊपर। अच्छा चल चल मेरे, अच्छा चल कोई नहीं। मेरी गलती नहीं थी। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। बीजान हाँ, बीजान को आप संभालेगी ना? ए जी अब पुत्र, बीजान को तो अल्लाह ही संभाले, ये हम मासूम इंसानों के बस की बात नहीं है। आज तो वैसे ही उनकी बैटरी फुल चार्ज। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं संभाल लूंगी। तेरा कोई कसूर नहीं है, सब सल्लू का कसूर है, मुझे पता है। तू ना रो, ये बेचारी मैंने मत्था देना है। शुक्र है तेरे इर्द गिर्द धुआं नजर नहीं आ रहा तेरे हुक्के का। ना पिया कर बुरी बात है। हाँ क्योंकि मेरे दिल से जो निकल रहा है धुआं, तुझे कैसे नजर आएगा अन्या? चल अब भूल जा पुरानी बातें। जहर लगता है जब इस किस्म की बातें करता है। जिम्मेदारों में शादी करने के बाद ना तेरे बोलने चालने का तरीका बहुत खराब हो गया परी। रहने दे, एक तो तुम दोनों भाइयों ने ना अखीर की अन्नी मचाई हुई है। वो पहले जब शेद पाइया ने छन्नू की खातिर बिल्लो को छोड़ दिया और तूने बेबे के लितरों से बचने के लिए मुझे नईमा के साथ अच्छी जिंदगी गुजर रही है मेरी। हाँ नजर आ रहा है मनु, वो तू वो बन गया है वो जो अंग्रेजी मजमून नहीं सी, ए मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। ऐसी भी कोई बात नहीं है, उसे अन्ना एतबार कर दिया नईमा तुझ पर। किसी दिन मैंने पुराने किस्से खोल दिए ना बच्चू, गिट्टे सेक देगी तेरे। अल्लाह का वास्ता है परी, उसके सामने ऐसी वैसी कोई बात मत करना। जी बीजान। क्या अंदर? बीजान मैं तो दवाई लेने के लिए जा रहा था बाहर, मैं अभी आता हूँ। मैं तो पौधे देख रहा था। अब बीजान मैं अपना हुक्का गर्म कराऊं, पियेंगी? इस वक्त तो खून पीने को जी कर रहा है, होते फिर बिस्मिल्ला करें। बात मत करो मुझसे। तो और कैसे करूं? तुम बता नहीं सकती थी अम्मा को कि ये तुम्हारा फरमाइशी प्रोग्राम था खाने का, और तुम्हारी वजह से जलील हुए हम आज। हाय अल्लाह, ये तो अभी इतनी छोटी सी बात थी, अभी तो ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें सुनना बाकी है जब मैं हायर स्टडीज के लिए चली गई। तो तुम हर बात में ये हायर स्टडीज को क्यों घुसेड़ लेती हो? इसी शर्त पर राजी होकर मैंने आपसे शादी की थी। क्या तुमने ये रुखसती इसीलिए की है? तो कोर्स मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है ये। और तुमने सोचा कि तुम मुझे सीढ़ी बना लो, है ना? असल ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मेरा मतलब है आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ बाहर तो मैं किसी के साथ भी जा सकती थी ना शादी करके। लेकिन मुझ जैसा कुकू फोड़ा तो नहीं तुम्हें मिलना था ना जिया? कोई ऐसे कुगू घोड़े नहीं है आप। ये तुम आप भी मुझे तंजिया कह रही हो ना? मतलब आप मेरे आप में भी आपको तंज नजर आने लग गया है। बस कर दो जिया, बस कर दो, सब समझ आ रहा मुझे। ठीक है फिर, अब मुझसे बात हो जाए तो मेरा नाम बदल देना और लाइट बंद करे। बेब
है। बेबे बेबे मिठू क्यों है? बेबे अखां नूं ते खोल। क्यों? तूने अद्धी रात को सुई में धागा डलवाना है? अल्लाह दी कसम बेबे बहुत भूख लगी है। और वो जो तू बगैर माँ से पूछे छड़प्पे मारदा होटल पहुंच गया था है, वहां जिया और अरसल ने तुझे कुछ नहीं खिलाया? ले उन्हां दे कोल ते आपे ही नहीं हैगे पैसे। गरीबों ने ना मेरे भी 400 रुपए लगा दिए। हाय हाय, वैसे ये बीजान की औलाद जो है ना बड़ी कंजूस है। उधर आइंदा ना पैसे जुराबे च रखी। ओ बेबे गोली मारो पैसों को, रोटी खिला लो, बड़ी भूख लगी। जा रही हूँ इठू, साथ ले ले, पिछी पै जाता यार। ओए हाय, बेड़ा तर जाए बिजली वाले दा। बेबे ध्यान नाल। हाँ पुत्र। मेरा मतबल है रोटी ध्यान नाल बनाई, कहीं हाथ उतना जला दी। चुप कर, मैं टकरे मार दी फिरा है। पिल्लो जी आपको मेरे सार की कसम खानी पड़ेगी, बीजान ने अगर हमारी शादी से इनकार भी कर दिया तो शादी तो आप फिर भी चोची लंबरदार से ही करेंगी। नहीं जोजी जी, शादी के लिए ना बीजान की रजामंदी बहुत जरूरी है। जो भी है तो हमारी बड़ी ना। बिल्लो जी हम भी तो आपके खुश लगते हैं, मोहब्बत है आप में। वो तो ठीक है, लेकिन अब बिल्लो बीजान की दुआओं के बगैर रुक सकते नहीं हो सकते ना। हाँ जी हाँ जी। बिल्लो जी मैनू लगता है कोई आ रहा है। लगता है बीजान ही आ रही है, आप इधर से जाएं, मैं इधर से। ठीक है बिल्लो जी, ख्याल रखना। देखने तो दो कोई जा गया नीचे, मैं नहीं जाने दूंगी। डाकू छह सौ रोने की क्या बात है, सब है नीचे। ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ नहीं तुम नहीं जाओ, मैं चलूंगी। इस तरह के दोनों चले जाएंगे ना। चलो चलो ऐसा 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 तेज नहीं ना। क्या हो गया? आई होल्ड योर कंट्रोल। ओए तू तो जोजी है। हाँ जी। तू ऐसे की कर रहे हैं? मैं तो सुता पे आती जी ऐसे। अब आई डोंट नो जोजी, तेरा दिमागी तवाजन ठीक ते है? ओ आओ जी देखो की हो रहा है नु। कोई नहीं, बर्फ लगाई है कि नहीं लगाई है? मैं आपको कुर्बान कराना मजा आ रहा है। क्या कर रहे हो? सर परी का लगा रहा है। पीछे ना गिर जा, आगे चल जा। पीछे मैं चल, पीछे ना गिर जा। हाय किधर चलो? हेलो हाँ अब बताओ क्या हुआ है? वो ना ये परी ने ना बहुत ही चंगी तरह फेंटा चाड़ा है जोजी का, है देखे बांदर जैसा उलिया कर दिया है। यस जस्ट लाइक मंकी। ए जो परी है ना इसका हाथ नहीं हथौड़ा है, यानी हैमर। चुप कर, मुझे क्या पता था कि तू आधी रात को चोरों की तरह किचन में घूम रहा होगा है? और शुक्र कर टाइम से बिजली आ गई, नहीं तो आज तू खर्च हो जाना सी। और तुम आधी रात को किचन में क्या कर रही थी? वो जी मैं तो मिठू के लिए खाना लेने गई थी। अच्छा अच्छा, मिठू के लिए खाना लेने जा रहा था, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। और मार मार कर चूरी बना दिया अपने ही पुप्पो के बेटे का। ओए तो चुप कर जा ओए डोले शाह दे चूहे।
और चुप करो तुम लालू कैद का जराफा, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, एक आधा हड्डी टूट जाता ना तो खुदा का कसम हमको सुकून मिलता। ऐसे तो ना कहें जलाल जी, अब सारी नींद बर्बाद करके रख दी शोर शराबे ने। इतनी नजाकतें अच्छी नहीं होती नजाकत ली। नजाकत भाई बोलो, बड़े हैं तुमसे। देखो मेरा ये ख्याल है कि अब ये पंचायत खत्म करें और अपने अपने कमरों में जाके सोएं। हाँ परवीन, तुम भी अपने मिट्टू को टाइम पे खाना खिला देना। हाय जमशेद साहब, वो तो खाना खिला देगी टाइम पर किसी ने ये बात नोटिस की है कि शहरी और किंजा जो है वो घोड़े बेच के सोए में आए नहीं। और हम तो फुल पीली के साथ परी जी की आवाज सुनकर उठ गया। आप ना जलाल भाईजान अपनी आंखें ना संभाल के रखे हैं, मसूमा ने काट के ना आपके हाथ में पकड़ा देनी है, फिर चंगे लगेंगे चिट्टी सोटी पकड़ के फिरते हुए। क्या हुआ? हाय अरसल पुत्र, होना क्या था, तेरी परी खाला ने तेरे मामे जोजी को चंगी तरह धोया और हम बैठ गए आप निचोड़ने सारे। अच्छा अच्छा बस बहुत हो गया, सब लोग अपने अपने कमरों में जाके सो जाओ। तुमने सड़े हुए कद्दू जैसा मुंह क्यों बना रखा है? यूनिवर्सिटी से अभी तक फाइनल मेल नहीं आई है। एक बात की समझ नहीं आई जिया, रात को मुझे एक मिनट के लिए भी बाहर नहीं जाने दे रही थी डाकू का सोचकर, तो और बातें करती हो अब्रॉड जाकर पढ़ने की मेरे बगैर, ये सब क्या है? सब देखो, ये मेरा फ्यूचर है, मैं इसको इमोशंस के पीछे छोड़ तो नहीं सकती ना। लेकिन रिलेशन इमोशंस के बगैर नहीं चलते जिया। असल ये दुनिया है, यहाँ सब हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें रहना होगा। देखो मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, अपना फैसला सबको सुना चुकी हूँ, तुम्हें भी बताया था, मैं अब नहीं चेंज कर सकती अपना डिसीजन। फिर एक और फैसला भी और इसी वक्त कर लो जिया। क्या? अगर तुम जाओगी तो ये रिलेशन, ये रिश्ता, ये फीलिंग्स जो हम दोनों के बीच में है, सब खत्म करके जाओगी। सर कितनी आसानी से आपने ये रिश्ता खत्म करने की बात कर दी ना। जो तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर जाने की बातें करती हो वो क्या जी? मैं कौन सा सारी जिंदगी के लिए जा रही हूँ? लेकिन तुम मेरी सारी जिंदगी हो जिया। असल प्लीज डोंट बी सो इमोशनल, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। जब तुम सब कुछ समझ कर भी मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रही हो जिया, तो मैं क्यों समझूं? हम खुले दिमाग से कुछ देर बाद इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। असल नाम मत लो मेरा। मैं कौन सा सारी जिंदगी के लिए जा रही? सल्लू भाई चुप कर जा मिठू, जो तूने कल किया ना वो बगैरती दिल पे लिखी गई हमारे। सल्लू भाई मैं क्या करता, बेबे रो रही। चुप कर जा यार, बेबे रो रही थी। मुझे तेरे हालात पे रोना आता, कैसा मरता यार तू।
तुझे। है बेटा, सुबह सुबह बड़ी एक्सरसाइजें हो रही हैं। तो क्या करूं, सब लोग मोटा मोटा कहने लग गए हैं। बड़ी गलत बात है बेटा, मोटे तो तुम कहीं से भी नहीं हो, थोड़े से सेहतमंद हो बस। हाँ ना। चलो आज बाहर चलते हैं, तुम जॉगिंग करना और मैं भागूंगा। ठीक है, चले जरूर करो। क्या मोबाइल चले, क्या पता कोई वीडियो बनानी पड़ जाए। बाहर नहीं आओगे है? जल्दी जाओ। चल, कौन आ गया? हेलो, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे ओहो, हेलो। ख्याल से, ख्याल से देर न जाइएगा। वैसे इंसान किसी की नजरों से ना गिरे, बाकी सब खैर है। मैंने आपको पहचाना नहीं। हु मेरा मतलब है, हु कौन है आप? मैं शाहजहां। माशाल्लाह से। नगीना, जो किसी भी अंगूठी में ना आसानी से फिट नहीं होता। होना भी नहीं चाहिए, मेरा मतलब है इंसान को इतना आम भी नहीं होना चाहिए। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, माशाल्लाह से। वैसे मैं ना जोजी की मादर हूँ। और आप? मैं जमशेद और नजाकत के वालिद का बड़ा भाई। ओह, बहुत नाइस हुई आपसे, खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। ओह क्यूट। वालेकुम अस्सलाम। चले आ गए जी। नहीं बेटा, मेहमान आए हो घर में तो इस तरह छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। बाहर बैग उठाओ बेटा इनका। क्या मतलब, मैं उठाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए आइए, मैं गेट बंद कर दूं। चल आइए। थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत ज्यादा वैसे मुझे टेक ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू। अब ये बुढ़ा पड़ा रहेगा चार दिन बिस्तर पर कमर पकड़ के। बट शोशा तो बन गई ना नगीना दादी के सामने। खबरदार, खबरदार दादी कहा, चची कहो। वो बीजान मारना, चाची नगीना आ गई है चीचा वतनी से हैं। तो मैं क्या करूं भाई? बीजान क्या हो गया, बिल्लो का रिश्ता नहीं देना आपने? और आगा जी ऐसा वधिया नाश्ता लेके आए कि आ हा 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 हा। देख ले बीजान, अब तो वो नाश्ता भी ले गए उनके लिए। ना तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है छोटे पेडू? मैं तो ताई जी बीजान की नॉलेज में इजाफा कर रहा था। मुझे तेरे इजाफों का चंगी तरह पता है। अच्छा, मेरा ज्यादा खचरा बनने की जरूरत नहीं है। तेरी हरकतें बहुत मशकूक लग रही है। नहीं नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ नहीं का लगता। चल बीजान को ना लेकर आ बाहर। आ जाए बीजान है, मैं जरा बिल्लो को कह दूं कि मुंह के ऊपर मजीद सुकून पाउडर लगा ले। इससे फर्क तो उसको कोई पड़ना नहीं है। है इधर आ मेरी जान, आप इन बुढ़ा बुढ़ी पर जरा नजर रखियो, बेशक वीडियो बनानी पड़े। अरे डोंट टेक टेंशन बीजान, आपके लिए सारी सर्विसेज फ्री है, HD क्वालिटी कैमरा के साथ, वो भी मेरे फोन में। शाबाश शाबाश। चलो ना, शेमलेस नहीं आंदी तेनु, शेमलेस नहीं आती तेनु। मैनु माफ कर दियो बेबे जी, 100 times सॉरी। वेलकम, बैठो तुसी। मैं तो जदों दा थानू वेख्या मेरे दिल च कोल्डनेस पै गई है, वरना कल रात से तो आपको पता मेरा त्राह निकाल दिया था बीजान ने। हाँ जी, वरेड दे तू है, चलाकियां बहुत ही कर रहा है मेरे साथ। तभी तो आ गया था ना वालारी अड्डे अपनी बेबे को रिसीविंग करने के लिए। हैं? ओहो माय डियर बेबे, वो ना असल में अदादा मेरा पक्का था, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली, लगता है मेरी आंख में ना किसी तमोड़ी ने काट लिया है। वे आंख से याद आया जो जी, हाय बे मार्गनी, व्हाट हैपन? वे किधरे तुझे किसी ने दबा के फेंटी तो नहीं चाड़ी मेरे पुत? अरे ला बेबे, नु कीवे पता चल गया तमोड़ी ने इतने दा। नहीं असल च वो गल ये है, छन्नो को मैंने भेजा था कि वो बिल्लो को लेके आए, छन्नो पता नहीं किधर रह गई है, मैं देख के आवा। हाँ जाकर देखो जवाब ये कहाँ रह गई है दोनों बेटा। अच्छा जी।
डीजे हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डूडू डू, कैसी है मुमताज? वाह बस अलग बैठिए ना, बैठिए। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, तू भी सीट ना। हाँ है। मैं क्या मुमताज, तुम ज्यादा, मेरा मतलब है यंगनेस से ओल्डनेस में नहीं आ गई? अपनी एज से ज्यादा तुम ओल्डनेस नहीं लगना शुरू हो गई? मेरा मतलब है कि उम्र बहुत ही बहुत ही। अल्हम्दुलिल्लाह, पोते पोतियों वाली हूँ, टाइम से ब्यादी सारी औलाद, तुम्हारी तरह नहीं कि बुढ़ापे में सेरे सजा रही हो उनके। देखो जी, जो कपल होते हैं ना, वो तो गॉड आसमानों पे बना देता है, दुनिया में तो हम ऐसे रस्में करते हैं पूरी, यू नो। लेकिन जमीन वालों को भी तो हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं ना, ये तो नहीं कि दरख्तों से गिरेंगे रिश्ते। यस यू राइट। क्यों बड़ी, आप शनो के वही एंकल है ना जिनकी वाइफ की डेथ हो गई थी एन यंगनेस, मतलब मेरा मतलब है यूथ एज में, और आप विडो हो गए थे, है ना, है ना? बिल्कुल वही खालू हैं ये। आजकल बुढ़ापे में फिर करंट दौड़ रहा है, कोई रिश्ता हो ना तो बताना। अब व्हाई नॉट, बहुत रिश्ते हैं। आजा आजा चाची ने की ना, ये हमारी ना। ओ माय गॉड, सदके जाऊं, वाह भाई वाह। ओ गॉड, मून का टुकड़ा है ना, मून का टुकड़ा। सिट सिट सिट, मैं क्या, मैं सदके चली जाऊं। कितनी हैंडसम है, ऐसी हैंडसम कुड़ी मैंने दुनिया में नहीं देखी। क्या तुम्हारे घुंघरे वेबजी वेबजी हेयर, ओए जोजी भाई, मेरे जोजी ने तो कमाल कर दिया, डायमंड निकाल लिया दुनिया में। चपल मारोगे, नहीं है वो कुड़ी। मैं भी नहीं है वो कुड़ी, ब्यूटी हैंडसम मैं कहती हूँ। क्यों बड़ी, असल जमशेद अली, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के ख्वार हो रही हूँ, तुम यहाँ पर बैठे हो। आदत डालो अकेले रहने की। यार क्या हो गया है, क्यों तुम एक ही बात को बार बार रिपीट किए जा रहे हो? अब आप कहने को भी नहीं कहूंगा जी। I'm sorry. प्रॉब्लम है आपको? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं। असल प्लीज खुदा का वास्ता यार, मुट्ठी कर लो ना, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, एटलीस्ट फैमिली देखेगी तो क्या कहेगी, अभी वलीमा नहीं हुआ, देखो दोनों दोबारा शुरू हो गए। एग्जैक्टली, तो छोड़ दो अपनी फजूल से यार। मैं नहीं छोड़ सकती। तो फिर मुझे छोड़ दो। मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है तुम्हारे बगैर रहना यार। मैं सोचता हूँ ना तो ये जिंदगी बेरंग लगने लगती है यार, दम घुटता है मेरा जिया, तुम समझ ही नहीं रही हो यार। ऐसा तो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते यार? मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है। तो तुम नहीं छोड़ोगे अपनी जिंदगी?